जाएगा, हमने उससे कैसे लड़ेंगे, हम उससे कैसे लड़ेंगे, वो तरीका बताएंगे आपको कि उससे कैसे लड़ा जाएगा। लेकिन लड़ाई उनसे है, ना हमारे किसी एमएलए एमपी से, ना इस सरकार से, ना बीजेपी से, ना कांग्रेस से, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, इन पार्टियों से हमारा कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे उनके गुलाम है सारे। आप देखो हरियाणा के अंदर जिस टाइम पे खुली हवा में सांस लेने का 500 रुपए जुर्माना था, वो जो मुंह पे ना लाने थे ना 500 रुपए चलान काटा करते, दिल्ली वाला राक्षस 2000 काटा करता है ना, ये नहीं। अच्छा कांग्रेस वाला, उसने तो राजस्थान में कानून बना दिया बकायदा कि आप अगर मुंह ढक के नहीं चलोगे तो आपको सजा का प्रावधान कर दिया, बाकी संविधान में नहीं था। मतलब शिवसेना जहां थी वहां भी यही हो रहा था, ना उसमें मायावती बोली, ना उसमें अखिलेश यादव बोला, ना इसमें चौटाला बोला, ना उड्डा बोला, ना आम आदमी पार्टी का कोई बोला, मतलब सब एक लाइन में। ऐसा तो कभी होया ही नहीं था। पब्लिक डर रही, मीडिया सारी की सारी दहशत फैलाने पर लगी पड़ी। इसलिए आपको ये बात बिल्कुल याद रखनी है जिंदगी भर, अगर कोई साथी यहां अलग अलग पार्टियों के बैठे हो तो दिमाग में बिठा लेना, आप असलियत में उन गुलामों के गुलाम हो। वो हमारा एक ही फायदा उठाते हैं केवल कि गांव में क्या चल रहा है वो आपसे पूछेंगे। जैसे जब आप हाजरी लाने जाओगे ना, जो भी हाजरी लाने जाएगा अपने नेता गए, वो हाजरी लाने जाओगा, वो उन्हें बैठेगा और सुना भाई क्या चल रहा है गांव में, वो बताओगा कि फलाना नहीं कर रहा, फलाना नहीं कर रहा, फलानी पार्टी का यो टिकड़ेगा यो। अच्छा गांव वाले के बात कर रहे, जैसी बात गांव वाले कर रहे होंगे अगले दिन आओगा भाषण में वैसी बात फेल देगा गांव वाले को, तुम्हारी बात कर रहा भाई, समझ गए। यानी वो अपने उन लोगों का फायदा केवल इसके लिए उठाता है। बढ़िया,